धमाका हुआ, बहुत तेज धमाका हुआ है जिसकी वजह से आगजनी चालू हो गई थी। धमाके से शायद सिलेंडर फटा, में जो बाद में आया कि सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर फटा है। उसके बाद हम लोग मेन गेट पे बाहर आ गए थे तो देखा यहाँ पे फ्रंट में बहुत ज्यादा आग लगी हुई थी। इतना आग की लपटे थी कि हम आगे नहीं जा सकते थे फ्रंट में। अब यहाँ पे था कि ये बच्चों की न्यू बेबी केयर का यूनिट है तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होंगे, लेकिन हमें काफी देर तक कोई दिखा नहीं, नर्स कोई स्टाफ कोई नहीं दिखा। तो बाद में थोड़ी देर बाद 5-7 मिनट बाद पीछे नर्स आई एकदम, तो शायद तो बैक साइड से निकल के आई। नर्स से चिल्लाई कि भाई साहब 11 बच्चे को बचा लो, बच्चे को बचा लो। तब पीछे से हम 3-4 आदमी इकट्ठे होकर बैक साइड गए, बैक साइड का शीशा टूट चुका था, वहां से चढ़े और बैक साइड से 2 भाई और थे, उन्होंने पूरी हिम्मत करी, वो चढ़ के अंदर से बच्चे को उन्होंने पकड़ाया। हमने जीना वीना लगा लिया था, हम लोग वो बच्चे पकड़ाते गए, हम आगे देते गए। शुरू के 3-4 बच्चों की हालत ठीक थी, वो जले नहीं थे, उनको सांस था, उनको अगर बिल्कुल टाइम पे मिल गई होगी केयर तो बच गए होंगे बच्चे। उसके बाद जो फ्रंट में बच्चे थे उनको नुकसान ज्यादा हुआ क्योंकि वो बच्चे उनके पेट काला हो गया था, पैर काला हो गया था, तो वो जल चुके थे, वो गर्म हो रखे थे बिल्कुल, तो शायद उनको बच्चों को नुकसान ज्यादा हुआ है। तो उनको भी हमने सबको निकाल लिया, हमने कोई बच्चा छोड़ा नहीं, हमने पूरा आगे शिनाख्त कर लिया कि कोई है नहीं है अंदर। उसके बाद हम आए हैं तो हमने 11-12 बच्चे निकाल लिए, जितने थे हमने सारे निकाल लिए, हमने ऊपर नीचे सारा देख लिया। नहीं हाँ तो हम 11:40 पे आग लग गई थी तो मिकल 12:30 वो आई होगी फायर ब्रिगेड, 1:15 तक आग बुझ चुकी थी, आग बिल्कुल बुझ चुकी थी, 1:15 तक आग बुझ चुकी थी बिल्कुल। 11 बच्चे बता रहे थे नर्स, हाँ हमने जितने भी निकाले हमें उसके बाद कोई नहीं मिला हॉस्पिटल में, अंदर कोई नहीं था। फ्रंट में ही आग था, आग बैक साइड में नहीं था, बैक साइड में धुआं था, आग फ्रंट में था, आग बहुत ज्यादा था, इतना था कि बैंक तक आग पहुंच रही थी, अगर काबू नहीं पाते तो हो सकता है बैंक में मिल जाती। 12:15 आ गया था फायरफोर्स। हाँ जी हम बच्चे तो बैग से निकाले, आगे से कोई भी नहीं निकला, बच्चे बैग से निकाले तो फायर ब्रिगेड अपना आगे से काम कर रही थी। हाँ पीछे फायर ब्रिगेड के भी 2-3 बंदे आए थे, वो भी आया, उन्होंने मदद करी, वो भी देख के गए, पर जब तक हम बच्चे निकाल चुके थे। था ए ब्लॉक मार्केट के पास में मेरी शॉप है, मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, यूट्यूब देख रहा था, तो एकदम आवाज आई, धमाका हुआ बहुत तगड़ा, जैसे कोई बम फट जाता है। तो मैंने पहली बार तो इग्नोर कर गया, मैंने कहा कोई बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। दूसरी बार फिर आवाज आई थोड़ी देर में, फिर मैं उठा वहाँ से चला थोड़ी दूर पे, तो वहाँ से देखा तो मुझे धुआं दिखाई दिया, फिर मैं आगे चला, मैंने बच्चे से कहा, मैंने कहा देखना जरा, एक मिनट आया पता नहीं क्या हो गया। थोड़े आगे आया तो मार्केट पे वो नर्स उधर से निकल रही थी बाहर की तरफ, और इधर से 2-4 और गए जैसे मैं गया तो मार्केट वाले। हमने कहा नर्सों से क्या हुआ, बोली आग लग गई। अरे मैंने कहा कोई अंदर वो तो नहीं है पेशेंट वगैरह, वो बोली बच्चे अंदर, तो मैंने कहा तुम भाग के कहाँ जा रही हो। फिर उनको हमने पकड़ा तो ले गए, पीछे से सी ब्लॉक के नारंग जी वो आ गए, फिर संटी भाई साहब आ गए, उनको कॉल करी, जब भी तुरंत संटी भाई साहब आ गए, उनकी एम्बुलेंस आ गई शहीद भगत सिंह सेवा दल की, आ करके पीछे को खिड़की तोड़ के फर्स्ट फ्लोर से तब बच्चों को निकाला।